ऑल राइट गाइस, तो हम फुल कंपैरिजन करने वाले हैं तो काफ़ी पॉपुलर ब्लूटूथ स्पीकर्स का। पहला स्पीकर है बोडस्टोन 1000 एंड सेकंड स्पीकर है ज़ूक रॉकर वोल्केनो। तो अगर आप इन दोनों स्पीकर्स की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप भी एक ब्लूटूथ स्पीकर परचेस करना चाहते हैं ना, आप इन दो स्पीकर्स में कन्फ्यूज हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इन दोनों स्पीकर्स की प्राइसिंग हम देख लेते हैं। तो बोडस्टोन 1000 को आप 2999 रुपीस में परचेस कर सकते हैं एंड ज़ूक रॉकर वोल्केनो को आप 4999 रुपीस में परचेस कर सकते हैं। एंड इन दोनों की प्राइसिंग जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। डिस्क्रिप्शन में आपको परचेज लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोडस्टोन 1000 को। तो ये स्पीकर टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। इसकी जो फ्रंट स्पीकर ग्रिल है मेटल की बनी हुई है, जो एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग है। स्पीकर के ऊपर के पार्ट में हमें एक रबर हैंडल मिल जाता है। स्पीकर के पीछे के पार्ट में इसका पैसिव बेस रेडिएटर अवेलेबल है, जिस वजह से इसका बेस काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। एंड यहाँ पे इसका आयो कंपार्टमेंट दिया गया है। इसके अंदर हमें एक ऑक्स पोर्ट मिल जाता है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है इसको चार्ज करने के लिए। स्पीकर के राइट साइड में हमें चार बटन्स मिल जाते हैं। पहला बटन है मोड का, इस बटन से आप वॉल्यूम अप कर सकते हैं, नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा इस बटन से आप वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, प्रीवियस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। इस बटन से आप पावर ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, प्ले एंड पॉज कर सकते हैं एंड कॉल को भी रिसीव एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं ज़ूक रॉकर वोल्केनो को। तो ये स्पीकर भी टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है। प्लास्टिक के ऊपर रबराइज टाइप का मटेरियल यूज़ किया गया है, जो काफ़ी सॉफ्ट लगता है छूने में। एंड इसका हैंडल जो टूटा हुआ ही रिसीव हुआ है, तो माइंड मत करिएगा, आप इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। साथ ही इसकी जो स्पीकर ग्रिल है मेटल फिनिश के साथ आती है, तो दिखने में लगता है जैसे मेटल की बनी हुई होगी, बट ये मेटल की नहीं है, ये प्लास्टिक बिल्ड है। यहाँ पे ज़ूक की ब्रांडिंग दी गई है। एंड अगर हम स्पीकर के पीछे के पार्ट में आते हैं, तो यहाँ पे इसके दो बेस रेडिएटर अवेलेबल हैं, जो इसके बेस को काफ़ी इन्हेंस कर देते हैं। साथ ही यहाँ पे इसका आयो कंपार्टमेंट दिया गया है। इसके अंदर हमें एक ऑक्स पोर्ट मिल जाता है, एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए। एक टीएफ पोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाता है, तो अपना माइक्रो एचडी कार्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं एंड डायरेक्टली अपने माइक्रो एचडी कार्ड से इसमें सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। साथ ही हमें इसमें यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है, तो आप सोचेंगे कि इसे हम पेन ड्राइव वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट ये यूएसबी आउट पोर्ट है, तो आप इससे अपने गैजेट वगैरह चार्ज कर सकते हैं, मतलब आप इसको एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। स्पीकर के लेफ्ट पार्ट में इसके बटन्स दिए गए हैं। पहला बटन है TWS का, तो मतलब आप दो स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के एंड स्टीरियो साउंड इफेक्ट का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे मोड का बटन है, ये पावर बटन है एंड ये मल्टी फंक्शनल बटन है, इसे आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, ट्रैक को कॉल को रिसीव एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन की अवेलेबल है। साथ ही अगर दोनों का वेट देखा जाए, तो बोट का वेट यहाँ पे 1.5 kg है एंड ज़ूक का वेट यहाँ पे 2 kg है, तो ज़ूक यहाँ पे थोड़ा हैवी है। साथ ही अगर दोनों स्पीकर्स के पावर आउटपुट की बात की जाए, तो बोट यहाँ पे 14 वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है एंड इसमें हमें 7-7 वॉट के दो स्पीकर्स मिल जाते हैं इसके फ्रंट में। साथ ही ज़ूक यहाँ पे 60 वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है एंड इसमें हमें 25-25 वॉट के दो स्पीकर्स मिल जाते हैं फ्रंट में। साथ ही इसमें हमें 5-5 वॉट के दो ट्वीटर्स भी मिल जाते हैं। साथ ही अगर दोनों स्पीकर्स की बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए, तो बोट यहाँ पे 3000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है एंड कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको 8 आवर तक का जो है प्ले टाइम मिल जाता है एक सिंगल चार्ज पे, बट रियल वर्ल्ड में इसमें आपको 5 से 6 घंटे का प्ले टाइम इजिली मिल जाएगा अगर आप 70% वॉल्यूम में म्यूजिक को सुनते हैं। साथ ही ज़ूक यहाँ पे 10000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है एंड कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको 10 आवर तक का जो है प्ले टाइम मिल जाता है एक सिंगल चार्ज पे, बट रियल वर्ल्ड में इसमें आपको 7 से 8 घंटे का प्ले टाइम इजिली मिल जाएगा अगर आप 70% वॉल्यूम में म्यूजिक को सुनते हैं। तो बैटरी के मामले में यहाँ पे ज़ूक सबसे बेहतर है। साथ ही दोनों स्पीकर IPX5 की रेटिंग के साथ आते हैं, तो नॉर्मल वाटर स्प्लैश से इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ ही दोनों स्पीकर्स में हमें इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली अपने स्पीकर्स में ही कॉल को अटेंड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए बोट यहाँ पे ब्लूटूथ 2.1 के सपोर्ट के साथ आता है एंड ज़ूक यहाँ पे ब्लूटूथ 4.2 के सपोर्ट के साथ आता है, तो कनेक्टिविटी के मामले में ज़ूक यहाँ पे थोड़ा बेहतर है। तो फटाफट से इन दोनों स्पीकर्स में सॉन्ग्स प्ले करके हम इनका साउंड आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल प्योर साउंड आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप अपने माइक के थ्रू एंड उसके बाद अपने गैजेट के स्पीकर के थ्रू सुनने वाले हैं, बट आपको यहाँ पे कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। Thank you.
I'm following your lead, I'm following this feeling. Conquering the spirit, I'm busting through the ceiling.
तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी इन दोनों के साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेस की, जिसकी हमारे इंडियन यूजर्स को खास तौर पे तलाश रहती है। तो बेस दोनों ही स्पीकर्स का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड बेस दोनों ही स्पीकर प्रोड्यूस करते हैं अगर दोनों का पावर आउटपुट एंड साइज एंड प्राइस देखा जाए तो। बट अगर बेस के मामले में यहाँ पे मैं विनर चुनूँ तो यहाँ पे मैं ज़ूक को पहले नंबर पे रखने वाला हूँ एंड बोट को मैं सेकेंड नंबर पे रखने वाला हूँ। साथ ही ट्रिबल्स दोनों के ही अच्छे हैं। अगर वोकल्स की बात की जाए तो वोकल्स हमें दोनों में क्लियर ही मिलते हैं, बट अगर वोकल्स के मामले में यहाँ पे मैं विनर चुनूँ तो यहाँ पे मैं बोट को पहले नंबर पे रखने वाला हूँ एंड ज़ूक को मैं सेकंड नंबर पे रखने वाला हूँ। ज़ूक का जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया गया है, जिस वजह से इसके वोकल्स जो हैं काफ़ी दबे हुए आते हैं। साथ ही अगर दोनों की लाउडनेस देखी जाए तो दोनों स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा लाउड हैं, आप दोनों के साइज को देख के समझ चुके होंगे। बट यहाँ पे अगर मैं विनर चुनूँ तो यहाँ पे मैं ज़ूक को पहले नंबर पे रखने वाला हूँ एंड बोट को मैं सेकंड नंबर पे रखने वाला हूँ। साथ ही अगर दोनों के डिस्टॉर्शन की बात की जाए तो दोनों ही स्पीकर्स में 80% वॉल्यूम तक बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन फील नहीं होता है। अगर आप 80% से ऊपर वॉल्यूम को रखते हैं तो आपको इन दोनों में डिस्टॉर्शन फील हो सकता है। बट अगर यहाँ पे सबसे कम डिस्टॉर्शन की बात की जाए तो ज़ूक को मैं पहले नंबर पे रखने वाला हूँ एंड बोट को मैं सेकंड नंबर पे रखने वाला हूँ। तो अगर ओवरऑल अगर एक शब्द में इन दोनों को पॉइंट करूँ तो आप ज़ूक को बाप बोल सकते हैं एंड बोट को बेटा बोल सकते हैं। तो अब बात आती है कि आपको इनमें से कौन सा स्पीकर परचेस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो अगर आप बजट में एक लाउड स्पीकर परचेस करना चाहते हैं जिसको आप थोड़ा बहुत आउटडोर पार्टी में भी यूज़ कर सकें, साथ ही इसका बेस भी ठीक हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बोट को कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है ना, आप एक लाउड स्पीकर परचेस करना चाहते हैं इसका बेस भी काफ़ी धमाकेदार हो, साथ ही जिसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपको TWS का फंक्शन भी मिल जाए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ज़ूक को कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों स्पीकर्स अपने प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पास एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आप देख रहे थे भाई सो टैकी और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।